हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओमप्रकाश देशमुख आज आपके साथ हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन फीवर। अभी जैसे समर सीज़न इंडिया में चालू हो गया है और जो धूप काला है समर में, खास करके न्यूबॉर्न बेबीज जो है उसमें डिहाइड्रेशन फीवर की दिक्कत काफ़ी देखी जाती है। डिहाइड्रेशन फीवर क्या है? जैसे नाम सजेस्ट करता है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो 1 महीने के नीचे या 4 वीक्स के नीचे का जो एज है, एज ग्रुप है, उन बेबीज़ में खास करके डिहाइड्रेशन फीवर अफेक्ट होता है करता है। कुछ बेबीज़ जो न्यूली बॉर्न है और विद इन फर्स्ट वीक जो जैसे कि वेट लॉस होता है, जो बॉडी का एक्सेस फ्लूइड है, फैट है, वो थोड़ा लॉस होता है, और ख़ास करके मदर को भी शुरुआती 2-4 दिनों में फीडिंग थोड़ा सा ठीक आता है, कम आता है, तो ऐसे केसेस में शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण बच्चे को फीवर बोलो या बच्चे का जो बदन है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो उसको हम डिहाइड्रेशन फीवर बोलते हैं। फीवर अगर 98.6 या 99 के ऊपर अगर बच्चों में रहता है न्यूबॉर्न में, जो हम एक्जिला में गिनते हैं, बगल में गिनते हैं, तो उसको हम फीवर कहते हैं। शुरुआती दिनों में सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन थोड़ा कम होने के कारण बच्चे को उसकी भूख तो चली जाती है, लेकिन दूध में जो दूध से जो पानी मिलता है बच्चे को, दूध से जो एक लिक्विड क्वांटिटी मिलता है, तो उसका प्रमाण थोड़ा सा कम रहता है। और जिस मदर में फीडिंग बहुत कम है या शुरुआती दिनों में जैसे फीडिंग ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी कम है, या बच्चा दूसरे कोई कारणवश दूध नहीं ले पा रहा है, कुछ सकिंग प्रॉब्लम है, या मदर में जैसे रिट्रैक्टेड निप्पल वगैरह का कुछ इश्यू है, तो ऐसे केसेस में बच्चा 2 या 3 दिन में या पहले हफ्ते में खास करके ओपीडी में आता है और रिलेटिव का या मदर का कहना रहता है कि इसको बुखार है। तो ऐसे समय हमको देखना है सबसे पहले कि बच्चा यूरिन कितने बार कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी 24 घंटे में कम से कम 7-8 बार यूरिन पास करता है। अगर बच्चा दिन में, मतलब 24 घंटे में 7-8 बार यूरिन नहीं कर रहा है, कम कर रहा है उससे, जैसे कि 2-3 बार या 3-4 बार, तो हम समझ सकते हैं कि उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब बच्चे को पानी कहाँ से मिलता है? बच्चे को पानी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको मदर के मिल्क से ही पानी मिलता है, और पानी की मात्रा कम होती है अगर मिल्क सिक्रीशन मदर का कम है या बच्चा कुछ कारणवश प्रॉपर दूध नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर सकिंग नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय मदर के मिल्क के कम गिरने के कारण अगर बच्चे को शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उसके कारण यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है, और उसी के कारण बच्चे का बदन थोड़ा सा गर्म हो जाता है क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। ये धूप काले में खास करके समर सीज़न में हमको एक प्रोमिनेंट लिए दिखता है, तो इसलिए इसको डिहाइड्रेशन फीवर बोलते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण ये फीवर आया है। तो इसमें जनरली इन्फेक्शन नहीं होता है बच्चे को, सिर्फ डिहाइड्रेशन रहता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे की यूरिन आउटपुट कैसा है। अगर कम है तो इट सजेस्ट मोस्ट लाइकली द इट इज़ अ कॉज, इट मे बी ड्यू टू डिहाइड्रेशन फीवर। अगर यूरिन आउटपुट सही है फिर भी बच्चे को फीवर है, तो देयर माइट बी सम अदर रीज़न लाइक इन्फेक्शन। बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बच्चा दूध बराबर पी रहा है कि नहीं है, प्लेफुल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखने के बाद हम क्लिनिकली जज करते हैं कि वेदर इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन और इट इज़ ड्यू टू डिहाइड्रेशन। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में कभी भी अगर फीवर है 99 के ऊपर है, 98.6 के ऊपर, अब तो आपको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना है। बेबी अगर ड्रोजी है, सुस्त है, फीडिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, यूरिन आउटपुट, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना है। सेल्फ डायग्नोसिस मत कीजिएगा, और ख़ास करके बच्चा अगर सांस थोड़ी तेज़ ले रहा है, हार्ट बीट उसकी फास्ट है, बच्चा ड्रोजी है, सुस्त है, तो ऐसे समय आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना है। अगर डॉक्टर डायग्नोस करते हैं डिहाइड्रेशन फीवर, तो दिन इट इज़ ओके। कभी कभी इसको एडमिट करके सलाइन वगैरह भी देना पड़ता है, अगर फीडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है और पेशाब बहुत कम कर रहा है बच्चा, तो उसमें वेट लॉस भी होता है, पेशाब कम होता है तो, और फीडिंग कम होने के कारण वेट लॉस भी होता है बच्चे का। और डॉक्टर को अगर लगता है इन्फेक्शन हो सकता है, तो ही मैं एडवाइस सम टेस्ट लाइक CBC और CRP का एक टेस्ट आता है, वो हम कराते हैं। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन फीवर के बारे में। इसमें पैरासीटामोल ड्रॉप देके हम फीवर कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हमको हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग every 2 आवरली करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।